साल 2022 के ओवर होते होते एक फिल्म ऐसे ही हाथ लगी है जो वाकई में कमाल की है। ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इसमें जो सस्पेंस ड्रामा मर्डर मिस्ट्री है वो अलग ही लेवल की है। इसमें आपको दिखाई देंगे तुषार कपूर और नसरुद्दीन शाह, जो कि लीड रोल प्ले कर रही हैं। मूवी का नाम है मारीच। 9 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में होने क्या वाला है। थोड़ी सी कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक, और 30 लाइक एटलीस्ट एम रखते हैं, और मुझे लगता है आप इसको पूरा कर ही दोगे। दोस्तों एक बात तो आप लोग जानते हो, तुषार कपूर चाहे फिर कॉमेडी मूवी में आए या फिर आए सीरियस मूवी में, लगते कमाली हैं। आप शूट आउट एट बडाला देख लो, इनकी लास्ट फिल्म गोलमाल आई थी आप उसको देख लो, सब में इन्होंने अच्छी खासी एक्टिंग करी है। फिलहाल इस फिल्म में ये है एक पुलिस इंस्पेक्टर, और इनके पास आता है एक केस, यानी कि एक अननोन विलेन है जो कि बार बार लड़कियों को मारता है, उनकी गर्दन काट देता है, और जैसे ही पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश करती भी है तो एक और वो कत्ल कर देता है लड़की का। अब वो क्यों कर रहा है ये पता नहीं चल पाता है। एक केस के बारे में पुलिस पता लगा भी पाती है तब तक दूसरा एक और केस सामने आ जाता है उसी एक का। मतलब वो इस तरीके से लड़कियों को मारता है कि कोई भी सबूत भी नहीं छोड़ रहा है। तो बीच बीच में जो सस्पेंस है वो तो आप मूवी देखकर ही फील कर सकते हो, इसमें बताना पॉसिबल है नहीं। इसके अलावा तुषार कपूर की एक पत्नी भी है जिनका नाम है अनीता हसनंदानी, जो कि प्रेग्नेंट है मूवी में। अब तुषार कपूर को पता चल जाता है कि अब विलन उनकी पत्नी के पीछे भी है, क्योंकि विलन को भी पता है कि तुषार कपूर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो वो अब उसको मारने की कोशिश करता है। तुषार कपूर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में तुषार कपूर के बॉस कहते हैं कि भाई अब बस रहने ही दो, कोशिश करो इस केस को जितनी जल्दी खत्म हो सके। वहीं दूसरी ओर तुषार कपूर भी कसम खाए हुए बैठे हैं कि अब इसको मैं मार के ही दम लूंगा। काफी कुछ है इस फिल्म में। चोर पुलिस का खेल काफी लंबे समय तक चलता है, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो देखने लायक भी हैं। अगर आप सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री की फिल्म पसंद करते हैं तो आपके लिए फिल्म बेस्ट होगी। तुषार कपूर को देखकर जाना, अगर आपको पसंद ना भी हो तो स्टोरी को दिमाग में रखकर जाना देखने, बट फिल्म को ज़रूर देखना। 9 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। बाकी जाने से पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना।